अरे भाई दिखा क्या? हेलो एवरीवन, यस चमक गया ना। चलो गाइस, दिख गया ना अभी भाई? कैसा लगा मेरा मजाक? बोलो बोलो बोलो, दिखा। हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कैसा लगा मेरा मजाक भाई? कैसे अपन गायब हो गया था थोड़ी देर के लिए? क्या हाल भिड़ लोग, पंटर लोग, आ जाओ फटाफट, आ जाओ जल्दी जल्दी। चलो रे भाई जल्दी फास्ट, राधे 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 राधे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। आ जाओ फटाफट भाई, सबको सबको हाय हेलो, जय जय संस्कारी भाई साहब, आपकी भी जय हो। कोर्स खत्म होगा यार, कोर्स खत्म, बहुत प्रायर होगा, उसके बाद आपका बढ़िया सा मैराथन होगा। अभी शुरुआत तो हुआ है, पहले शुरुआत का तो मजा लो, आनंद लो, आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति लो अभी पहले। यार खत्म करने की कहाँ जल्दी कर रहे हो? शुरुआत धांसू ही है तो एंड भी माहौल होगा। आ जाओ बंटर लोग, फटाफट फटाफट, चलो गाइस फटाफट। थ्री सिक्सटी है सबने, 360। अच्छा सबने पूरा सॉल्व किया है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने पूरा थॉट दिया है, 360 सबका आंसर आ रहा है, क्या बात है यार, लाजवाब, मजा आई गवो। यस एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है, एकदम मजा, एग्जाम ऑनलाइन होने वाली है सर, एग्जाम पढ़ रहा हूँ तब तक तो चला जाता है यार। ला, चलो फास्ट फास्ट शुरू करें, लेके प्रभु का नाम, मजा आ भी गई। अरे बिल्कुल सुनाएंगे यार सॉन्ग, क्या बात है, सॉन्ग मतलब कोई बड़ी बात है। फोर्टीन वाला भी बताएंगे यार, डोंट वरी, 14 भी बताएंगे। अरे भाई दीपक बस आपकी दुआ है। चलो दोस्तों फास्ट, बहुत टाइम लग रहा है बिड़ू ज्वाइन होने में, अपन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आ गया अपुन, क्या बात है शिवानी, अपुन आपकी रात देख रहा था बिड़ू। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब बिड़ू लोग आ गए, हफ्ता वसूली के बाद शुरू करते बिड़ू। चलो आ जाओ, एकदम एक एक क्वेश्चन चमकाने का है भी अपने को। राम 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 साहब, क्या बात है, 9 से लेकर 13 तक का आंसर आ गया। मानसी वेरी गुड, मानसी सुपर्ब, शानदार। गोपाल राम राम जी साहब, चलो स्टार्ट करो जी। यस यस स्टार्ट करते, एक बार आने दो यार, वो क्या है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना स्टार्टिंग में, ऑफलाइन ऑनलाइन का। चल यस, हर्षाली मल्टीप्लीकेशन इज द ट्रिक, परफेक्ट। तो गाइस अगेन आपको शुरू करते हैं दोस्तों, इट इज इक्वल टू 100। अब आपको पता है कि नंबर के जगह भाई, अगर लेटर्स के जगह नंबर आता है तो कहां ना कहां पहला थॉट हमारे दिमाग में क्या आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो हमें पता है अब कि यार ई की ऑर्डर तो 5 नंबर की होती है, ए तो पहले नंबर पे होता है, कोई बेवकूफी होगा जिसको ये नहीं पता।
ए का नंबर पहला होता है और टी का नंबर तो 20 होता है, बट यार उसने हमें 100 क्यों दिया, एग्जैक्टली क्या कर रहा है वो? तो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो इन तीनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। 5 × 1 × 20 बता दो मेरे भाई लोग, आंसर क्या आया? 100। सो सेम चीज यहाँ अप्लाई कर दो ना दोस्त, आर ए टी, आर बोले तो 18, ए बोले तो 1, टी बोले तो 20, तीनों का मल्टीप्लीकेशन बोले तो 360 इज द आंसर। यही अप्रोच होना चाहिए अपना अभी सोचने का बिड़ू, 360 डिग्री अप्रोच, बार बार बोल रहे अपुन। स्क्रीन क्लीन नहीं है, कपड़ा मारता हूं, रुको अभी 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 कपड़ा मारता हूं स्क्रीन पे छोटू, चल एक कपड़ा मार। चलो 360 आंसर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यस जूम कर दिया दोस्त, 15 तो हो गया वंशी का पूरे, बट अभी टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। हाँ वो धीरे धीरे टाइम, देखो अभी फिलहाल वंशी का एंड एवरीवन अभी फिलहाल फोकस करो एक्यूरेसी पे। देखो एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करोगे टाइम लैग होगा, मतलब अननेसेसरी बहुत टाइम आप दे रहे हो, वो भी घाटे का सौदा है। आप टाइम फटाफट कर रहे हो एकदम फास्ट, लेकिन सिली मिस्टेक करे जा रहे हो, ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारना हुई। ठीक है तो भाई लोग आपको दोनों का तालमेल जमाना है, बराबर दोनों का तालमेल। आगे का टायर पंक्चर है, पीछे का अच्छा है, तो कोई फायदा नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं, दोनों टायर मजबूत होना है। तो यार ये दो टायर है, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी। बट अभी जो कि अपना इनिशियल दौर है, शुरुआत हुई है क्लास की, तो अभी फिलहाल फोकस एक्यूरेसी पे करो, एक्यूरेसी पे पूरा फोकस करो। टाइम मैनेजमेंट पे अपन करेगा, अपन एकदम फर्स्ट क्लास टाइम मैनेजमेंट पे काम करेगा बिडू। तो अभी फोकस पूरा किस पे करो? एक्यूरेसी पे। ठीक है चलो चलो ठीक है। सो ये था आंसर आपका 360। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। हनी के एस वाई एफ हैंड का पूछा है, तो बट जिसका पूछा है उस पर बाद में, पहले जो दिया है उस पर खेलो, पूरा पैटर्न क्रैक करो। ठीक है सो हनी इज इक्वल टू के एस वाई एफ, मुझे बताओ क्या हो रहा है? H2K मतलब क्या होता है? H2K IJK यानी प्लस थ्री। देन O के पहले K आता है, O के कितने पहले K आता है? O के पहले NMLK, मतलब चार पहले, 1 2 3 4 यानी -4। पैटर्न समझ रहा है बिडू? +3 -4। आगे देखते हैं, N के बाद S, N के बाद OPQRS, कितने नंबर पे आया? 1 2 3 4 5। अरे झक्कास, जम गया बिडू। +3 -4 +5 अगला क्या आएगा? -6। चेक कर लो E के क्या 6 नंबर पीछे वाय आता है, चेक कर लो E के DCBAZY, चेक कर लो 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा है कि A के पीछे कोई नहीं, मतलब वापिस साइकिल रिपीट, ZY। तो ये देखो -6 है +7, सेम लॉजिक, यहाँ +3। तो एच के +3 कौन होता है? आई जे के। ए के -4 बराबर +3 -4, तो ए के -4 जेड वाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है देन +5 एन के +5 ओ पी क्यू आर एस, देन -6 डी का -6 कौन होगा? सी बी ए जेड वाई डब्ल्यू, कितना? 1 2 3 4 5 6 W। सो K W S W, K W S W, K W S X X X X, अरे हाँ Y के बाद X आएगा, Y के बाद X आएगा रे ब्रू। सो 1 2 3 4 5 6 यानी X करेक्ट। सो K W S X, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। डी किसने बोला? रितेश भाई, डी गलत है दोस्त, डी गलत है मेरे भाई। ऐसा कैसा किया रे तू, ऐसा नक्को करो, चार मीनार में अपन की इज्जत है बाबा, ऐसा मत कर, करेक्ट कर। चलो चलो चलो, चित्रा बोल रही है क्वेश्चन नंबर 1। चित्रा कल एब्सेंट थे आप, क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे, कोई बात नहीं अगर डाउट होगा तो। लेकिन चमका ये पहले बताओ, पहले ये सब क्लियर करो, चमका कि नहीं चमका, एकदम चमका कि नहीं चमका, क्लियर है नहीं है ये नहीं बोलने का, एक तो बोलने का चमका, नहीं तो बोलने का घुसा यानी मगज में घुसा।
पेन पेपर के बिना बहुत अच्छी से होगा यार। अगस्त वाले को पूछो पेन पेपर के बिना कितना बढ़िया हुआ, क्योंकि पेन पेपर अलाउड नहीं किया तो फिर भाई क्वेश्चन क्या होगा, एकदम इजी होगा मक्खन की तरह। चलो चलो चलो, एकदम चमका, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आ जाओ रे बहुत बढ़िया दोस्त, मजा आई गवा। चलो 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 आ जाओ, जबरन जबरन, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ये क्वेश्चन बताओ अभी, चलो फटाफट ये क्वेश्चन बताओ, बी आई एन डी बताओ फटाफट बताओ इसका। बी आई एन डी का कोड है 1623, है ना। बी आई एन डी का कोड है 1623, टी ई ए एम का कोड है। इस क्वेश्चन से एक बहुत ही नई चीज सीखोगे और एकदम चिल्लर सी चीज, बहुत ही शानदार बहुत शानदार। ध्यान देना कौन सी चीज। सर एक डाउट, अरे कहाँ डाउट गया तेरा। आ जाओ। देखो अब इसको क्या बोलते हैं ना, इस वैरायटी को बोला जाता है डायरेक्ट कोडिंग। पहला थॉट हम हमेशा क्या देता है, पहला थॉट भाई अगर कभी भी लेटर के जगह नंबर दिया है, सो लेटर के जगह अगर नंबर दिया है तो अल्फाबेटिकल पोजीशन ए टू जेड 1 2 3 इस तरह से, जो हमने कल से लेकर अब तक काफी क्वेश्चन किए। लेकिन अगर ये वैरायटी आ गई ना भाई, तो ये क्या है, ये है हलवा, ये है हलवा। मतलब बच्चा कर लेगा इसको जूनियर सीनियर केजी का, क्योंकि कॉपी पेस्ट जिसमें आप माहिर हो, कॉपी पेस्ट करना है बस। आपको यहाँ पे हर एक लेटर का कोड दिया है, बी आई एन डी का, टी ई ए एम का, और उन्हीं लेटर को मिलाकर एक वर्ड बना है माइंड। उन्हीं लेटर को देखो, यहां से एम कॉपी हुआ, यहां से आई कॉपी, यहां से एन कॉपी, यहां से डी कॉपी। तो उनके कोड चोरी कर लो, उनके कोड कॉपी कर लो, बस खत्म। आपको बोला एम, एम का कोड क्या है बिडू, एम का कोड है यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग। देखो उसका नाम ही है डायरेक्ट, यानी 1-to-1 कोडिंग, 1-to-1, यानी बी का कोड 1, आई का कोड 6, एन का कोड 2, डी का कोड 3, इस तरह खेलना है, ठीक है। सो एम का कोड क्या है बिडू, 4, आई का कोड 6, एन का कोड, एन का कोड है 2, एंड डी का कोड है मेरे दोस्त 3। सो 4 6 2 3 इज द आंसर, बी इज द आंसर। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। जो भी लेना है, बादाम का लो, गाजर का लो, जो आपको पसंद है वो हलवा ले लो, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल हलवा था। समझा कि नहीं रे भाई, डायरेक्ट कोडिंग है। मतलब भाई अगर ये भी क्वेश्चन नहीं समझा तो मतलब यार गजब ढा दिए, गजब हयो रामा, जुल्म हयो रामा। एक नंबर था, कुछ नहीं था इसमें, डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं इसको, 1-to-1 कोडिंग। यहाँ पहले है बी तो यहाँ पहले है 1, सो बी का कोड 1, आई का कोड 6। क्योंकि आप देखो ना अल्फाबेटिकल पोजीशन अगर आप देखो तो बी की 2 आती है, बट यहाँ उसने 1 दिया, आई की 9 आती है, यहाँ उसने 6 दिया, एन की 14 आती है, यहाँ उसने 2 दिया। मतलब वो डिजिट को ऐड तक नहीं कर रहा है, कुछ तो अलग ही हो रहा है। तो कुछ तो अलग कुछ नहीं है, सबसे हलवागिरी हो रही है, मतलब 1-to-1 कोडिंग, कॉपी पेस्ट, खत्म, एकदम खत्म। चलो बताओ क्लियर कि नहीं, चमका चमका कि नहीं चमका। चलो शानदार शानदार जानदार। जेरी सिंह 11th अभी जस्ट हुआ, जेरी 11th में कुछ नहीं, ये पैटर्न था, देख लो फटाफट देख लो अब 11th में कौन सा पैटर्न था। अच्छा 11th रह गया क्या, अरे जेरी सिंह ने बराबर बोला, 11th रह गया। अरे भाई ऑर्गेनाइज, 11th वाला क्वेश्चन रह गया दोस्त, ऑर्गेनाइज इसको कर लेते हैं। थैंक यू जेरी सिंह, हम भटक गए थे, जेरी सिंह ने हमें सही राह पे लाया। बी एच एस पी डी आर एच एम, भाई इसका आंसर जो करेगा, इसका आंसर जो भी बताएगा बराबर से, उसको मोदी सर का गाना सुनने मिलेगा। हाँ फटाफट, किस किस को सुनने का है मोदी सर के आवाज में गाना,
जिन जिन को मोदी सर के आवाज में गाना सुनना है फटाफट इसका आंसर बताओ फटाफट, नहीं बताओगे तो फिर अब्बड़ सर गाएंगे, फास्ट जल्दी बताओ, फास्ट विडू क्या बात है, आया हा 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 आया रे भाई, आया रे भाई, ए ए ए ए शानदार क्या बात है, बहुत बढ़िया, या फिर जो भी इसका करेक्ट बताएगा अब्बड़ सर का डांस देखने मिलेगा उसको। देखो देखो अब्बड़ सर का डांस अगर जिसको देखना है फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ, बहुत लोग बता रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड, गलत आंसर बताने पे मेरा डांस देखना पड़ेगा, सहन नहीं कर पाओगे, चलो चलो फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर यह आया, कोई कोई लोगों ने बीच बीच में बी डी बोलकर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कोई बात नहीं, उन लोगों का मैं खास तवज्जुब चाहूंगा अभी सॉल्यूशन में, ध्यान देना दोस्त लोग, भाई लोग ध्यान देना, स्क्रीन थोड़ा सा ये हो रहा है क्या, चलो बिल्कुल सही ध्यान देना अभी, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज, अब ये भाई लॉजिक आपके लिए बिल्कुल नया नहीं था, क्योंकि इसके पहले जो इंट्रोडक्शन वाली शीट में हमने क्वेश्चन किया था ना दोस्तों, सेम लॉजिक है यहाँ पे, सेम लॉजिक, पता है ना जब वन टू वन कुछ नहीं हो रहा है, पहले घर के नुस्खे फेल, डॉक्टर के नुस्खे फेल, फिर भाई सोचेंगे ऑपरेशन का, तो यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे वन टू वन आपने देखा होगा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट रिवर्स देखा होगा रिवर्स कुछ नहीं हुआ, तो अब वर्ड को तोड़ो, और जिसने वर्ड को तोड़ा होगा उसको समझ गया होगा कि भाई यहाँ पहले चार का रिवर्स अप्रोच में देखो क्या हो रहा है, ओ टू पी यानी प्लस वन, आर टू एस यानी प्लस वन, जी टू एच यानी प्लस वन, ए टू बी यानी प्लस वन, यानी पहले चार लेटर का रिवर्स अप्रोच में प्लस वन, नाउ एन टू एम माइनस वन, आई टू एच माइनस वन, एस टू आर माइनस वन, ई टू डी माइनस वन, खत्म, पहले चार का प्लस वन इन रिवर्स अप्रोच, लास्ट फोर का माइनस वन इन रिवर्स अप्रोच, टूट पड़ो टूट पड़ो, यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक पंगा हो गया है, यहाँ पे आठ ना होते हुए छह है, तो छह को भी तोड़ना हम जानते हैं भाई, बहुत अच्छे से जानते, थ्री थ्री, सो देखो प्लस वन ई, प्लस वन बी, प्लस वन एस, माइनस वन एच, माइनस वन एम, माइनस वन एफ, एस बी ई एफ एम एच, क्या बात क्या बात क्या बात, ए आंसर जिसने दिया ना चमक डाला बिडू, एकदम मस्त खर्चा पानी बिल्कुल शानदार, चलो फास्ट, जिसका बी डी आंसर आ रहा था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आंसर ए है दोस्त, आंसर ए है मेरे भाई, समझा कि नहीं समझा, कोई बोल रहा है मेरा नाम बिडू भाई बिडू भाई क्या रे नितिक, अगर सात होते ना दोस्त, तो सात होते तो उसका भी पैटर्न मैंने बताया है, सात होते तो हम कैसे करते हैं, ऊपर के तीन अलग, बीच के तीन अलग, और नीचे के तीन अलग और बीच का अलग, बट सात अगर यहां होते ना तो यहां पे भी पक्का गिवन में भी ऑड दिया होता, हो सकता है यहां पर आपको नाइन लेटर का दिया होता था, फाइव लेटर का दिया होता था, क्योंकि सात में तीन पैटर्न बन जाते हैं ना, ऊपर का अलग, नीचे का अलग, बीच वाले का अलग, यहां हमें ऊपर का और नीचे का तो पता चल गया, बीच वाले का क्या करेंगे ना, फिर ऐसे केस में हम बोलेंगे कैनॉट बी डिटरमाइन, तो सात का अगर पूछा होता तो बदले में दिया भी उसने ऑड का ही पैटर्न दिया होता, तो यू कैन एनालाइज, तो फिर आपका एनालिसिस परफेक्ट बैठेगा ब्लू, ओके हुजैफा चलेगा भाई, आपके तरफ से जो भी नाम चलेगा, क्या भाई बस क्या भाई, चलो फास्ट, चमका रे भाई चमका चमका, चलो बस ये तो हो ही गया था, ये बता रे, ये बता मेरे भाई, ये बता, थोड़ा सा आज यार मेरे को भी दिख रहा है नेटवर्क थोड़ा ब्लर आ रहा है ना, अकुल मेरा डांस अगर आप देखोगे ना कल से लेक्चर में नहीं आओगे, आप सदमे में रहोगे, सदमे में, सो डांस देखना है तो अब्बड़ सर का, ठीक ना, सदमे में अगर नहीं जाना है, पढ़ाई करना है, तो मेरा डांस ना देखे, कमजोर दिल वाले मेरा डांस ना देखे, चलो ग्रेट का कोड बताया,
फ्रेंड का कोड दिया है, पैटर्न को क्रैक करो और ग्रेट का कोड ढूंढो। चलो शुरू शुरू, क्या बात है, ए आंसर आ चुका है बहुत से लोगों का। सही है बड़ू, बहुत शानदार, जानदार, लाजवाब। थोड़ा आज ये हो रहा है ना, ब्लर हो रहा है यार। चलो सही है बहुत लोग ए आंसर दे रहे हैं यार, सही डायरेक्शन में हो। मैंने कहा ना अभी एक्यूरेसी पे फोकस करना है, टाइम थोड़ा लग रहा है, लगने तो ब्रू, टाइम पे हम खेलेंगे बाद में। चलो चलो चलो, शानदार, बहुत बढ़िया, गजब। चलो है कोई और, बता दो अब आंसर। ऑलमोस्ट सभी आंसर दे रहे यार, 600, 800, 900 आंसर दिख रहे मेरे को, जरूरत ही नहीं कुछ करने की, कितना आराम दे रहे ले आप लोग मेरे को। चलो बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो देखो, F टू G प्लस वन, R टू T, R के बाद S, T प्लस टू, I टू L, J K L प्लस थ्री, E टू I, F G H I प्लस फोर। अरे समझ गया दोस्त, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, चलने दो चलने दो। G के बाद प्लस वन H, R के बाद प्लस टू T, E के बाद प्लस थ्री F G H, A के बाद प्लस फोर C D E F, नहीं B C D E, और यहाँ प्लस फाइव U V W X Y। सो आंसर इज H T H E Y, H T H E Y। जिसने ए आंसर बोला लाजवाब, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सोचना है बस और कुछ नहीं करना है, सोचना है, हर एंगल से सोचना है। आ जा, आया भाई, अगला क्वेश्चन आया। इसको बहुत ध्यान से देखो, ये एक अलग वैरायटी है। ये वैरायटी मैं आपको ओरिजिनल वर्कशीट जो होती है इंट्रोडक्शन में उसमें बताता हूं, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज करते हैं। अब मैं आपको ये चालू क्वेश्चन में बता देता हूं। देखो यहाँ पे एक मुस्कान नामक इंसान है, वो बोल रही है कि ए इज 26, सन इज 27, तो कैट क्या। ये क्वेश्चन भी हमारे ओरिजिनल वर्कशीट का होता है, तो चलो पहले ये क्वेश्चन कर ले। ये क्वेश्चन हम आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, पहले मेरे को ये करके बताओ। चलो ए अगर 26 है, सन अगर 27 है, तो कैट कितना, बताओ फटाफट बताओ। ये मेरे तरफ से एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों को, आज एकदम दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, मेरे तरफ से एकदम बोनस क्वेश्चन आप लोगों को, फटाफट बताओ मेरे को इसका आंसर। बताओ इसका आंसर। आएंगे दोस्त, जो लोग इसका आंसर सी 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 बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, इस पर हम आएंगे। पहले मैं ये पैटर्न पूरी तरह समझाऊंगा, काफी लोगों के लिए ये पैटर्न बिल्कुल पुराना होगा, जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए थोड़ा हटके पैटर्न है। सो नथिंग टू, नॉट टू वरी अबाउट, मैं पूरा पैटर्न बताऊंगा। क्या बात है, इसका आंसर भी आ गया ला वीडियो, बहुत से लोगों का, कोई बोल रहे 58, कोई बोल रहे 57, मेजोरिटी ऑफ लोग बोल रहे, क्या बात है। 27 भी किसने बोल दिया भाई, 27 तो ऑप्शन में ही नहीं मिलते दोस्त, टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। कोडिंग डिकोडिंग कल फिनिश हो जाएगा, कल इस टॉपिक का वाइंड अप। देखो कोडिंग डिकोडिंग को इतना इंपॉर्टेंस देने का एक ही रीजन है कि अगर आप अपना मॉड्यूल देखो, मैंने पहले दिन भी कहा था, अगर आप अपना मॉड्यूल देखो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर उसने किसी टॉपिक के दिए है तो वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई भी टॉपिक के अगर उसने दिए तो वो है कोडिंग डिकोडिंग। मतलब कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग को आपका मॉड्यूल खुद ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो अपना तो बनता है ना बॉस, अपन भी देना मांगता है। चलो बोलो बोलो बोलो, क्लियर है यहां तक, 57 बिल्कुल राइट आंसर है। सो जिसको ये आंसर नहीं आया ना, बस ध्यान दो, फोकस दो, टेंशन ना लो। मुस्कान, आपने बोला था 26, अरे कल मैंने कहा था जब भी नंबर आ जाए, लेटर के जगह नंबर, पहला थॉट किस चीज का देना है, अल्फाबेटिकल पोजीशन। तो आप बोलोगे सर अल्फाबेटिकल पोजीशन में तो ए तो पहला आता है, उसने 26 क्यों बोला। अरे भाई वो थोड़ा उल्टे दिमाग का होगा ना,
वो बंदा उल्टे दिमाग का होगा, वो उल्टा काउंटिंग कर रहा है। अगर वो उल्टा काउंटिंग करेगा तो Z, Y, X, W ऐसे करते करते A कौन सा नंबर पे आएगा? 26th। A का नंबर कौन सा आएगा? 26th। बराबर, इसका मतलब आपको इससे क्या हिंट मिली? रिवर्स काउंटिंग। इससे आपको हिंट कौन सी मिल गई? रिवर्स काउंटिंग। बराबर, अब सन इज इक्वल टू 27। अब देखते हैं हम, देखो रिवर्स काउंटिंग तो आपको समझ गया है, रिवर्स काउंटिंग ये हिंट आपको मिल चुकी है। तो अब उसने सन को 27 क्यों बोला? अगर मैं रिवर्स काउंट करूं तो सन का एस कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू ऐसे करते आओ तो एस आता है 8 नंबर पे, यू आता है 6 नंबर पे, एन आता है 13 नंबर पे, और दोस्तों तीनों को ऐड कर लो आपको मिल रहा है 27। हो गया, मतलब यहां से आपको हिंट मिली रिवर्स काउंटिंग की, यहां से आपको हिंट मिली एडिशन की। सो कैट के लिए अप्लाई कर दो, अगर मैं पीछे से काउंटिंग करूं तो सी का नंबर कितना आएगा बड़ू? 24। ए का नंबर 26, टी का नंबर 7, तो तीनों का एडिशन 57 इज द आंसर। सो जिसने 57 बोला एकदम बढ़िया, शानदार, जानदार, कैट इज 57, परफेक्ट, बिल्कुल सही। आपको देखो ये काउंटिंग वाली चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं कि काउंटिंग आपको बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट बन जाना है। आप रिवर्स काउंटिंग करो, सीधी काउंटिंग करो, उल्टी काउंटिंग करो, ये सब थॉट ऑन द स्पॉट देना है क्वेश्चन को देखकर। लेकिन जब भी नंबर की जगह लेटर आएगा पहला थॉट काउंटिंग का ही दो, पहला थॉट काउंटिंग का ही दो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, मगज में आया ना? अरे जबरदस्त राशि, बहुत बढ़िया। ये कहा डिफिकल्ट है मुस्कान? ये डिफिकल्ट था? ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल नहीं है। रिवर्स काउंटिंग मैंने इनफैक्ट उसका हिंट कल भी दिया था कि नॉट नेसेसरी कि हमेशा सीधी काउंटिंग करेगा, वो कभी कभार उल्टी काउंटिंग भी करता है, तो वो भी आपको थॉट देना ही है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, स्पीड स्लो है करीना तो उस पर काम होगा, प्रैक्टिस करो बस, मल्टीपल प्रैक्टिस। ये अपने क्वेश्चन बिना देखे एक बार वापस करो, नेट से क्वेश्चन उठाओ, यहां से क्वेश्चन उठाओ, मॉड्यूल के क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो बस। स्पीड पे काम करना है तो एक ही चीज है, प्रैक्टिस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मुस्कान काउंटिंग लर्न नहीं करना है, काउंटिंग आपको बस लिख लेना है ए बी सी डी टू जेड, ठीक है? और वो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ऐसे क्वेश्चन करते रहो, आपको खुद ब खुद काउंटिंग बाय हार्ट हो जाएगी। आप अगर उसको बोलोगे आज चलो मैं एबीसीडी को काउंटिंग रट्टा मारती हूँ, तो फिर तो घर वाले भी हंसेंगे, अभी तू तेरी उम्र क्या है, तू कर क्या रही है, अभी एबीसीडी पढ़ रही है। प्रैक्टिस के साथ वो हो जाएगा, प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद हो जाएगा, सो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? चलो, सो सन का कोई बोल रहा है सर सन का रिपीट करो, अरे सन में क्या था, अगर आप रिवर्स काउंटिंग करो Z, Y, X, W, V, U, T, S, तो देखो इसका नंबर कौन सा आया? 8। तो सन का नंबर, S का नंबर 8, U का नंबर 6 और N का नंबर आता है 13, तीनों का एडिशन 27। तो वही लॉजिक हमने कैट पे अप्लाई कर दिया, ठीक है? सेम लॉजिक हमने कैट पे अप्लाई कर दिया। चलो दोस्तों अब आते हैं मेन इस क्वेश्चन नंबर 14 पे, ध्यान देना, सबने ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। हाँ, आपको दिया है ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज, सो ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज इज रिटन एज बारिशागी। ध्यान से समझना है वैरायटी, जिन लोगों को पता है बहुत बढ़िया है, जिन लोगों को नहीं पता मैं खास आप लोगों का अटेंशन चाहूंगा। बारिश आ गई, बारिश आ गई, ठीक है? उसके बाद आइडियाज एंड न्यू थॉट्स, आइडियाज एंड न्यू थॉट्स, फा जी मारी, इन वर्ड्स का कोई मीनिंग निकालने की कोशिश ना करें। Create thoughts and insights, जिनका आंसर सी आ रहा है बहुत बढ़िया, create thoughts and insights,
मा जो बा फा, मा जो बा फा। न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशंस। की री तोफा, तोफा तोफा तोफा। ध्यान देना, अब सबने ध्यान देना, देखो सबने ध्यान देना। अरे पेन पेपर का टेंशन ना लो यार, पेन पेपर अलाउड नहीं तो क्या, उतना आप 100%, देखो आप एक एक लेक्चर करते रहो, जो जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो करते रहो, 100% जो टेस्ट सीरीज आपकी होगी वो शिद्दत से देते रहो, आप 100% इतना ओरली सोचने में एक्सपर्ट हो जाओगे ना, हमारी गारंटी। आप वर्बली सोचना शुरू कर दोगे, आप काउंटिंग भी वर्बली करना शुरू कर दोगे माइंड में, बट प्रैक्टिस में रहो, एक चीज को लेकर मत अटके रहो। पेन पेपर अलाउड नहीं तो क्या है, पूरी दुनिया को अलाउड नहीं है, जो भी आपकी कंपटीशन है किसी को अलाउड नहीं, तो क्या फर्क पड़ गया। हाँ भाई, नाइंसाफी तो तब होती है ना जब आपको अलाउड नहीं होता और बाकियों को होता, किसी को अलाउड नहीं ना, तो क्या टेंशन है, सब एक ही नैया में सवार है, अगर नैया में होल हुआ तो सभी डूबेंगे, तो बेटर वे तैरना सीख लो, बराबर। आपको पता है नैया में होल हो सकता है, सभी डूब सकते हैं, अपन अपना तैरना सीख लो, ठीक है। सो अपन तो भाई निकल लेंगे, अपन अपना तैरना सीख लो। सो शुरू करो, यहां पे ध्यान देना मेरे दोस्त, यहां पे ध्यान देना। ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज एंड, सबसे पहले तो यहां डायरेक्ट अप्रोच मत अप्लाई करना कि भाई यहां पे ऑलवेज है पहले तो यहां पे बा, यहां पे क्रिएट है पहले यहां पे री, तो इसका मतलब ऑलवेज का कोड हुआ बा, क्रिएट का कोड हुआ री, ना ये अप्रोच गलत है। पता है ऐसे क्वेश्चन में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कॉमन कोडिंग। मतलब क्या, आपको देखना है कहां पे कौन से दो वर्ड कॉमन है, कहां पे कौन से दो वर्ड कॉमन है। जैसे ध्यान देना, जैसे अगर आप देखो यहां पे न्यू, अरे न्यू, यहां पे भी न्यू और यहां पे भी न्यू, समझ रहे हो आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बात को अच्छे से समझो, जिनका आंसर सी आ गया ना बहुत बढ़िया, आप बाकी सबने ध्यान देना, ठीक है। यहां पे अगर देखो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में एक वर्ड रिपीट हो रहा है, न्यू, तो अब राइट साइड में देखो कि कौन सा वो कोड है जो रिपीट हो रहा है इन तीनों में, कौन सा वो कोड है जो इन तीनों में कॉमन है। भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे शानदार पैटर्न है कॉमन कोडिंग। मतलब आपको देखना है लेफ्ट में क्या कॉमन है, राइट में क्या कॉमन है, और उनकी पेयर बना देनी है, उनका शादी बना देनी है। सो ये हो गया न्यू। अब इधर देखो ये पहले में, दूसरे में और चौथे में है ना, पहला दूसरा और चौथा, क्योंकि देखो थर्ड में न्यू नहीं है तो फिलहाल थर्ड को साइड में रखो। सो अब आपको देखना है भाई इन तीनों में कॉमन क्या है, पहले में, तीसरे, दूसरे में और चौथे में, ठीक है। सो बारी शागी, मा जो बा फा एंड की री, फा जी मा री और की री तो फा। मुझे बताओ कौन सा वो कोड है जो तीनों में रिपीट हुआ है, एक लौता कोड है, बिल्कुल सही, बहुत शानदार, री 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 री। यहां पे गाइज फर्स्ट में, सेकंड में एंड फोर्थ में रिपीट हो रहा है न्यू। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में रिपीट हो रहा है न्यू, तो अब देखो राइट में कौन सा वो कोड है जो रिपीट हो रहा है, कौन सा वो कोड है, तो एक लौता कोड आपको दिखेगा री री री। मुझे बताओ अगर आप यहां पे डायरेक्ट कोडिंग के अप्रोच से जाते तो न्यू का कोड आप क्या बोलने वाले थे, शा, न्यू का कोड आप शा बोलने वाले थे, लेकिन वो गलत है। यहां पे भी देखो अगर आप यहां न्यू का कोड देखते तो मा आता, न्यू का कोड मा, यानी एक ही वर्ड का अलग अलग कोड तो नहीं हो सकता है, कोड तो यूनिक रहेगा, एक ही रहेगा। सो भाई आपको यहां पे समझ जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और वो गड़बड़ क्या है, वो गड़बड़ सिंपल है कि आपने क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ा ही नहीं, आपको यहां पे देखना था कॉमन कोडिंग, आप 1-to-1 कोडिंग देखने लगे। सो कॉमन कोडिंग इज द अप्रोच, सबने ध्यान देना, ये थोड़ी हटके वैरायटी है। कमेंट में जो लोग आंसर दे रहे हैं उन पे फोकस ना करो, उनको सल्यूट, बहुत बढ़िया, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझा है पूरा फोकस स्क्रीन पे करो। ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज एंड न्यू थॉट, क्रिएट थॉट एंड इनसाइट, न्यू एंड बेटर सॉल्यूशन। इनमें से मैंने को जस्ट एक एग्जांपल के नाम पे आपको न्यू वर्ड का बताया कि अगर मुझे किसी ने पूछा होता था कि बताओ न्यू का कोड क्या,
तो मैं क्या बोलता था, सर यहां से देखो तो न्यू का कोड मुझे शाह दिख रहा है, यहां से देखो तो न्यू का कोड माँ दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे न्यू है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे शाह है, यहाँ तीसरे नंबर पे न्यू है, यहाँ तीसरे नंबर पे माँ है। सो ये तो गलत हो गया, एक ही वर्ड के दो कोड कैसे आएंगे, तो इसका मतलब हमने कुछ तो सोच गलत की है। सो गलत क्या है कि हमें यहाँ कॉमन कोडिंग देखना है। कॉमन कोडिंग मतलब पहले देखो लेफ्ट में न्यू कहाँ कहाँ पर रिपीट हुआ है, न्यू रिपीट हुआ है फर्स्ट लाइन में, न्यू रिपीट हुआ है सेकंड लाइन में, न्यू रिपीट हुआ है फोर्थ लाइन में। तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट में कॉमन कौन है, न्यू 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 इन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो राइट में देखो कौन कॉमन है। सो राइट में आपको दिख गया री री री, फर्स्ट में सेकंड में और फोर्थ में मुझे बता दो री के अलावा और कोई कॉमन है, ऐसा एक कोड जो फर्स्ट में सेकंड में और फोर्थ में तीनों जगह है, तीनों जगह ऐसा कोई भी एक कोड बता दो मुझे। यहां पे है री, यहां पे है री, यहां पे है री, उसके अलावा देखो बा यहां पे है बाकी नहीं है, शा नहीं है, जी यहां पे है, यहां पे है लेकिन यहां नहीं है। सो सिवाय री के और कोई भी है वर्ड कोड जो रिपीट नहीं हुआ है। सो गाइज न्यू का कोड हुआ री। अटक रहा हूं, अटक रहा है, नेटवर्क नहीं है क्या आज हमारे साथ? भाई ध्यान देना, अभी भी ध्यान देना, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी जितना दो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, एक तो वो लेटर कोडिंग जो अब तक आप देख रहे थे और दूसरा एक कॉमन कोडिंग, इस पैटर्न को मैं क्या बोलता हूँ कॉमन कोडिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, आपने कॉमन लेटर लेफ्ट साइड में ढूंढना है, कॉमन कोड राइट साइड में ढूंढना है और उनका पेयर बना देना है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा फर्स्ट में सेकंड में और फोर्थ में कॉमन कौन था, न्यू न्यू न्यू, तो यहाँ पे कॉमन कौन है, री री री, तो न्यू का कोड हुआ री। देखो फर्स्ट में और सेकंड में एक चीज और रिपीट हुई है, फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में और सेकंड में एक चीज और रिपीट हुई है, आइडियाज आइडियाज, बराबर। अगर किसी ने मुझे पूछा है आइडियाज का कोड, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द कोड फॉर आइडियाज, व्हाट इज द कोड फॉर आइडियाज, तो मुझे बताओ यहां पे आइडियाज रिपीट हुआ है पहले और दूसरे में, अब मुझे बताओ थर्ड में कहीं पर भी आइडियाज है, नहीं मारो गोली, फोर्थ में कहीं पर भी आइडियाज है, नहीं मारो गोली। अब आप देखो राइट में क्या क्या कॉमन है, राइट में कॉमन है पहले और दूसरे में देखना है सिर्फ, ओनली इन फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली इन फर्स्ट एंड सेकंड, बस और कहीं नहीं। सो पहले और दूसरे में यहां पे आइडियाज कॉमन है और यहां पे भी आइडियाज कॉमन है, तो यहां पे कॉमन कौन है, सर यहां तो री री भी कॉमन है, बट दोस्तों आप पहले देख चुके हो कि री किसका कोड है, री इज कोड फॉर न्यू, बराबर, री इज कोड फॉर न्यू, तो री आंसर तो गया, री आंसर आ नहीं सकता, और कौन कॉमन है, जी आई जी आई, तो खत्म, यही है वो आइडियाज का कोड जी आई। सो गाइस जिसने आंसर जी आई बोला जीत गए, जीत गए एकदम चमका भिड़ू, क्या बात है, गोपचिक नहीं रापचिक, रापचिक रापचिक घुस रेला है दिमाग में, क्या बात है, क्या बात है, अरे हलवा है भाई, बहुत हलवा है, सीरियसली हलवा है, सीरियसली हलवा है, लेकिन थोड़ा सा मगज को सही ठिकाने रखना है, पहले से नहीं सोच लेने का, नहीं हो रेला है, नहीं हो रेला है, बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा, पहले थोड़ा टाइम तो दो यार, हर चीज को टाइम दो, क्या पानी में टैंक में कुत्ते बराबर स्विमिंग थोड़ी आ जाती है ना, थोड़ा बहुत तो हाथ पैर पहले मारते हो फिर बाद में तैरना लगते हो, है ना, तो थोड़ा टाइम दो, ऐसा नहीं कि जंप लोगे, बस मैंने YouTube पे वीडियो देख लिया है कि स्विमिंग कैसे करते हैं, अब मैं टैंक में जंप लूंगा और स्विमिंग करने लगूंगा, नहीं डूबेगा मेरे भाई, पहले तो हाथ पैर मार, तो वो हाथ पैर मारो, पहले से थॉट मत दे दो मैं स्विमिंग कर ही नहीं सकता, अरे कोशिश तो कर मेरे भाई। हाँ बता दो एक बार और बता दो दोस्त, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बताएगा अपुन, अपुन बिल्कुल बताएगा, ध्यान देना, ध्यान देना सबने। देखो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, ये आपके सामने रहा क्वेश्चन, अब एक बार फिर से मैं बता रहा हूं एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम ध्यान देना।
दोस्तों देखो, मैं ये पैटर्न होता है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग मतलब लेफ्ट में क्या क्या कॉमन है और राइट में क्या क्या कॉमन है, उनकी पेयर मैच करना। तो मैंने जैसे बोला, ये यहाँ पे न्यू है फर्स्ट में, सेकंड में भी न्यू है, फोर्थ में भी न्यू है। तो लेफ्ट में सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है? न्यू। तो अब राइट में देखो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में क्या कॉमन है? फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, कॉमन है री। तो इनकी पेयर न्यू का कोड, अगर आप री, ठीक है, बट आपको पूछने वाले आइडियाज का कोड, कोड पूछा है, कोड पूछा है, चेक का हुआ वो पूछा यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पर भी आइडियाज आपको दिख रहा है? नो। यहाँ कहीं पर भी आइडियाज दिख रहा है? नो। तो आइडिया सिर्फ कहां पर है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो बस अब राइट में देखो कॉमन कहां पर है, कॉमन क्या क्या है। एक कॉमन तो आप देख चुके थे फर्स्ट में और सेकंड में, री और री है, लेकिन री कोड किसका बना? न्यू का। तो री आउट ऑफ फोकस, री आउट ऑफ फोकस। अब कौन कॉमन है भाई? जी आई एंड जी आई। बाकी देखो बा शा फा मा कोई भी कॉमन है नहीं, लेकिन जी आई यहां पर भी है, जी आई यहां पर भी है। तो गजब गजब ढयोरामा। तो क्या हुआ? आइडियाज का कोड बना जी आई, आइडियाज का कोड बना जी आई, खत्म। क्योंकि कॉमन इन दोनों में, पहले और दूसरे में न्यू न्यू था, और यहाँ पे कॉमन जी और री था, जी आई और री आ रहा है। सो उसमें से न्यू ने तो अपना पहले से पार्टनर ढूंढ लिया था, न्यू ने पहले बोल दिया था आ रहा है मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। तो आइडियाज बोला कोई बात नहीं, जी आई मेरी है। सो जी आई इज द आंसर। बफरिंग बफरिंग बफरिंग। अरे वेट गाइस, थोड़ा सा नहीं क्या, क्लाइमेट बहुत ज्यादा क्लाउडी है, उस वजह से थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। क्लाउडी बहुत है क्लाइमेट आज, थोड़ा सा एडजस्ट करो यार। दिख रहा है क्या? अब परफेक्ट है? अरे वो रुक ले, रुक रुक रेला है बिडू, लेकिन क्या करे, इधर बहुत क्लाउडी क्लाइमेट है, क्लाइमेट बड़ा राउडी आज, परेशान कर रेला है मॉर्निंग से। बफरिंग हो रही क्या अभी भी? बहुत से लोग अभी भी बोल रहे बफरिंग बफरिंग बफरिंग। अरे काम करते, देखो आज थोड़ा सा ज्यादा बफर हो रहा है, एक काम करते, ये जो वैरायटी है ना, ये एक फ्रेश माइंडसेट से हम कल पढ़ते हैं दोस्तों।
ये जो वैरायटी है इसको हम फ्रेश माइंडसेट से कल पढ़ते हैं। आज बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये वैरायटी थोड़ी भी मिस हो, क्योंकि जितनी लेटर कोडिंग इंपॉर्टेंट थी, जितनी लेटर कोडिंग मजेदार थी, उतनी ही ये वाली वैरायटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ा भी इसमें 19-20 हो, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों का बफरिंग आ रहा है, कोई लोग परफेक्ट बोल रहे हैं, कोई लोगों के कमेंट में ऐसे बफरिंग बफरिंग हो रहा है। सो यार मेरे को नहीं थोड़ा भी रिस्क लेना है। सो भाई लोग, बिडू लोग, पंटर लोग, अपन एक काम कर रहे ला है, अपन कल ही शुरू करेगा। ठीक है, इस वाली वैरायटी को मैं कल, अभी अगर किसी के पल्ले ये क्वेश्चन नहीं भी आया होगा, भूल जाओ, ये क्वेश्चन हम कल बहुत ही फ्रेश एनर्जी से कुछ नए एग्जांपल्स के साथ शुरू करेंगे, डोंट वरी। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा पहले इजी इजी एग्जांपल्स बताऊंगा, वो पहले हम करेंगे एंड देन फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। सो अभी जिसको अब तक क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ है, बल्ले बल्ले, शानदार जानदार, 14 ऑनवर्ड्स, और ये जो खास ये वैरायटी है इसको हम कल पढ़ेंगे भाई लोग। यस, कल करते हैं यार, कल करते हैं, क्योंकि ये वैरायटी में मेरे को रिस्क नहीं लेना है। सो बाय गाइस, बाय भिडू लोग, बाय पंटर लोग, मौसम बड़ा परेशान करेला है आज। ठीक है दोस्तों, सो डोंट गेट पैनिक, टेंशन नहीं लेने का कि ये एक वैरायटी नहीं समझी सर बफरिंग की वजह से, कल मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्त, कल फिर से रिपीट होगा, टेंशन नहीं। पब्लिक भी कम हो गई लिए बफरिंग की वजह से।
हेलो हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हेलो यारो, हेलो हेलो पंटर लोग, क्या बोल रहे बिडू? बिडू बढ़िया है, बिडू अपन भी बढ़िया है। तुम कैसा है भाई? तुम लोग कैसा है? बड़े दिनों बाद मिल रहे हो, कहाँ थे कल? हाँ, चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ थे कल सबकी सब? हफ्ता वसूली हो गया बिडू, एकदम फर्स्ट क्लास। कल हफ्ता वसूली कुछ गैला था अपन। आवाज आ रही कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही? आवाज आवाज आ रही मेरी? क्या बोल रहे हैं बिडू लोग? चलो फटाफट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ पंटर लोग। आ गए भाई, आ गए चमका है क्या? क्या बात है, अभी से अब तक तो क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी से चमक गया रे भाई, क्या बात है। इधर अपन हफ्ता वसूली को गया था भाई, तुम लोग किधर थे बिडू? आ जाओ दोस्तों। अरे भाई आवाज आ रहा है ना एकदम झकास, साउंड सब टेरेफिक है, एकदम टेरेफिक ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर, क्या बात है, बनता है बनता है। अपन अगर टीचिंग में नहीं होता तो अपन अभी दादा होता, दादा कोई मोल लेगा। चलो आ जाओ भाई, क्या बोल रही ली पब्लिक? चलो चलो फटाफट फटाफट। चलो दोस्तों फास्ट आयो आयो टकाटक। कैसा लग रहा ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक? मजा आ रहा बिडू? सारे कंप्लीट है, वेरी गुड ध्रुव, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत हार्ड बनता है। भाई आप लोगों के घर वालों को डाउट ना हो, आप सीएस की क्लास कर रहे हो या कोई मोवाली की क्लास कर रहे हो? हैं, ये लैंग्वेज सिर्फ लेक्चर तक रहती है ना भाई। चलो भाई बढ़िया बढ़िया एकदम झकास, थैंक यू संस्कारी ब्राह्मण साहब, आपकी भी जय हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 10 का 5, 5 का 10, 5 का 10, 5 का 10, आ जाओ आ जाओ। बोले तो रक्षिक। यस अरे अनुराग, आपका शेयर मिलेगा भाई, हफ्ता वसूली का सबका शेयर मिलेगा, सबका शेयर मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग खोड़ दोगे आप, ये आपका शेयर है। घर वाले बोलते कौन वाली? अच्छा इसी बात है बिडू लोग। चलो आ जाओ आगे, सब करेगा बिडू स्टार्ट। आ रो भाई, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहे हो, अभी भी आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ। जय माता दी, जय माता दी नितिन कुमार। ये नोट सेंड कर दिए ना ऑलरेडी वैष्णवी? नोट्स ऑलरेडी सेंड, कड़क कड़क। आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस स्टार्ट करते हैं सिमरन बिडू, आने दो यार सबको एक बार, अपन को क्या है। चलो दोस्तों, हाँ नाउ बैक टू एलआर। हाँ हफ्ता वसूली हो गई, अब बैक टू एलआर। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट 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 करे करे स्टार्ट करे। चलो चलो फास्ट फास्ट, आ गए बिडू सब।
दोस्तों देखो ये वाला कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था, याद है ये क्वेश्चन नंबर 14 हम देख रहे थे लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 14 जो बहुत से लोगों को चमका था, बहुत से लोगों को नहीं चमक पाया। तो वो क्यों नहीं चमका, क्योंकि ये शायद आपको डायरेक्ट हेवी लगा होगा क्वेश्चन। अब हम उसको थोड़ा सा इजी इजी छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ करते हैं, और उसके बाद फिर आपको ये बिल्कुल समझ जाएगा। बस आज हो जाएगा, ये हो गया आपका कंप्लीट। प्रियंका वेरी गुड, प्रियंका सुपर्ब, झकास बिड़ू, एकदम झकास। गोयावी कमेंट्स में बॉक्स मिलता होगा ना, क्या बोल रहे लड़ू। चलो तो अभी छोटा छोटा क्वेश्चन अपन करेगा, और उसमें क्या करेंगे, उसको हम पूरा टॉपिक में एक्सपर्टाइज ले लेंगे, और जैसा अपन को टॉपिक में एक्सपर्टाइज मिल गया, फिर विल जंप टू दिस क्वेश्चन, फिर दिस क्वेश्चन, फिर एंड ऑफ द क्वेश्चन। बस इतना सा बचा है दोस्तों, आज अपने को पूरा खत्म करने का है। कल से नवीन बिड़ू नवीन राज, मतलब नया टॉपिक शुरू होगा कल से, एकदम फर्स्ट क्लास फोड़ू टॉपिक, एकदम फोड़ू टॉपिक। चलो यस बिड़ू लोग कमेंट बंद करो, लखन ने बिल्कुल सही कहा, अब फोकस करो टॉपिक पे। गाइज ध्यान देना, एकदम सुपर्ब क्वेश्चन है। इन अ सर्टन कोल्ड लैंग्वेज पिटने, अरे बाप रे, अपन की लाइन का आ गए तो पिटने। पिटने मीन्स कम हियर, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूं अभी, ये वाला 14 ले रहा हूं। पिटने मीन्स कम हियर, छोटा सा क्वेश्चन है। नेताजा मीन्स कम एंड गो, कम एंड गो, एंड जा सा रे मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है यू एंड मी, यू एंड मी इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है। सो ये अपन को ये कोड दिया है। अब देखो क्या करना है दोस्तों, आपको बोला है व्हाट डज ता मीन्स इन द कोड लैंग्वेज, ता का मीनिंग क्या है इन दिस कोड लैंग्वेज, ठीक है। सो दोस्तों ध्यान देना, ता का मीनिंग अगर आपको पूछा है, सो ता तो अब आपको यहां दिख रहा है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट, जो लोगों को ये टॉपिक अभी भी पल्ले नहीं पड़ा है ना, फोकस करना। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ता का कोड तो क्या आ जाएगा, ता का कोड आ जाएगा एंड, क्योंकि यहां पे सेकंड नंबर पे ता है, यहां सेकंड नंबर पे एंड है, तो ता का कोड आ जाएगा एंड। लेकिन सबसे गलती, बड़ी गलती कर दी आपने गाइस, ता का कोड एंड नहीं आएगा, क्योंकि आप जो देख रहे हो आप डायरेक्ट कोडिंग के हिसाब से देख रहे हो, लेकिन यहां पे डायरेक्ट कोडिंग नहीं आएगी यूज। मैंने उस दिन भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूं, यहां यूज होगा कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग दोस्तों। मतलब आपको ता पूछा है, ता का कोड, अब ता आपको यहां कहीं भी रिपीट हुआ दिख रहा है, ता आपको सिर्फ एक जगह दिख रहा है। बहुत से लोगों का आंसर डी, गो गो, अरे सुपर यार सुपर, बहुत बढ़िया। देखो अभी भी बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, आंसर ए बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं खास उन लोगों के लिए जो आंसर डी के अलावा कुछ और बोल रहे हैं ना, उन लोगों के लिए टॉपिक फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझो। जिन लोगों को नहीं समझा, जिनको आ गया, सैल्यूट गाइस, ठीक है। नाउ अब आपको ता का कोड पूछा है, ता कहीं पर भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे ता कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ जो है, देखो उसके साथ कौन है, ने 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 दो जगह रिपीट हुआ है, कहां पर ने रिपीट हुआ है, पहले और दूसरे में, बराबर पहले और दूसरे में रिपीट हुआ है ने। तो यहां देखो यहां पे कौन सा रिपीट हुआ है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड कोड में लेफ्ट साइड में ने ने रिपीट हुआ, तो राइट साइड में देखो कौन रिपीट हुआ है, कम कम, देखो कम हियर, कम एंड गो, ये दो कोड है, इसमें से रिपीटेड वर्ड कौन सा है, कम कम, यहां रिपीटेड कौन सा है, ने ने। दोस्तों इसका मतलब ने का कोड हुआ कम, ने का कोड क्या हुआ, कम, क्लियर। तो आप में से जिन लोगों ने कम आंसर बोला वो तो गए। नाउ अब देखो जा कहां कहां पे रिपीट हुआ है, जा यहां पर भी है, जा यहां पर भी, सो जा इन दो जगह है, यानी सेकंड और थर्ड में लेफ्ट साइड में देखो जा रिपीट हो रहा है, तो राइट में देखो क्या रिपीट हो रहा है, राइट में रिपीट हो रहा है एंड, एंड इसका मतलब जा का कोड हुआ एंड। सो गाइज यही तो बात है, यही तो मुझे बताना था कि यहां पे आप जिन लोगों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे एंड सोचते हैं, बट जो लोग एंड सोचते हैं ना वो लोग यहां पे क्लिक नहीं कर पा रहे पैटर्न को। जो लोग एंड सोच रहे हैं ना वो लोग यहाँ कॉमन कोडिंग देख रहे हैं, यार ये बच्चों वाला थोड़ी है कि यहाँ पे ता सेकंड नंबर पे, यहाँ पे एंड सेकंड नंबर पे, तो ता का कोड हुआ एंड, ये तो फिर नर्सरी जूनियर केजी का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे थोड़ा तो लॉजिक लगाना है, लॉजिक क्या है, कॉमन कोडिंग। लेफ्ट में पहले दो में देखो रिपीट है, पहले दो में रिपीट है ने ने, तो राइट में रिपीट है कम कम, तो ने कोड हुआ कम का। फिर सेकंड एंड थर्ड में रिपीट देखो कौन है, जा जा,
तो राइट में रिपीट है एंड एंड, तो जा कोड हुआ एंड का, तो खत्म। मुझे बताओ अब देखो, अब देखो, ने कोड हुआ कम का, ने ने कम को बुक कर लिया, जा कोड हुआ एंड का, तो खत्म। अब एक लौता कोड बचा है सेकंड में ता, और इधर भी एक लौता वर्ड बचा है गो, तो ता का कोड पूछा था, ता का कोड हुआ गो। गाइस जिन्होंने गो बोला सुपर्ब, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं आया था अब बोलो चमका कि नहीं चमका। जिनका आंसर नहीं आया था भाई अब बोलो मेरे को चमका कि नहीं चमका। मयंक जुनेजा चमका, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16 दोस्तों। सेम लॉजिक पे आप 15 करोगे, 16 करोगे, 17 करोगे, और फिर हम वो दो क्वेश्चन जो बच गए ना उस पे आएंगे। क्या बोल रहे लबड़ू, आ जाओ फटाफट फटाफट। चमका चमका सर रिपीट अगेन, कोई बात नहीं। लाहौटी प्रांजल, कोई बात नहीं, देखो लाहौटी प्रांजल, यहां पे हमने सिंपली कॉमन कोडिंग को यूज किया है प्रांजल, कुछ नहीं किया है। यहां पे हमने क्या किया है, कॉमन कोडिंग, कि भाई इन दोनों में अगर आप ठीक से देखो तो इन दोनों में कौन है रिपीटेड, यहां पे भी ने है, यहां पे भी ने है, मतलब लेफ्ट साइड में इन दोनों में ने रिपीट है, तो राइट साइड में कौन रिपीट है, कम कम। बस आपको ये कॉमन कोडिंग देखना है, इधर कौन सा वर्ड कॉमन है, ने ने, इधर कौन सा वर्ड कॉमन है, कम कम, तो ने कोड हुआ कम का। फिर सेकंड एंड थर्ड में कौन कॉमन है, जा जा, तो राइट में सेकंड एंड थर्ड ही देख रहे हो, तो राइट में भी सेकंड एंड थर्ड देखो, सेकंड एंड थर्ड में कौन कॉमन है, एंड एंड, तो इधर जा जा कॉमन, इधर एंड एंड कॉमन, तो जा कोड हुआ एंड का, तो खेल खत्म। ने ने कम का कोड हो गया, जा जो है वो एंड का कोड हो गया, तो ता का पूछा था, ता इज द कोड फॉर गो, ता इज द कोड फॉर गो इज द आंसर। ठीक है, चलो गाइज बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन नंबर 15, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो फटाफट, 10 का 5 दोस्तों फास्ट। इन सर्टन कोड लैंग्वेज ओपन द डोर, ओपन द डोर इज रिटन एज का जो, डोर इज क्लोज्ड, डोर इज क्लोज्ड, फटाफट इज रिटन एज जो पा मा, फटाफट यानी स्पीड में, जल्दबाजी नहीं करनी है। नजर हटी दुर्घटना घटी, दिस इज गुड इज रिटन एज लारापा। तो आपको पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर क्लोज्ड, इतना दे दिया और क्लोज का कोड पूछा है। अगेन मैंने कहा है कि आप यहां पे थर्ड नंबर पे क्लोज है, यहां पे थर्ड नंबर पे मा है, उस लॉजिक से क्लोज का कोड हुआ मा, ये लॉजिक यूज मत करना। देखो कोइंसिडेंटली क्लोज का कोड मा आ सकता है, लेकिन वो इत्तफाक होगा, कोइंसिडेंस होगा। ठीक है, आपको मैंने कहा है डायरेक्ट कोडिंग नहीं लेना है, कॉमन कोडिंग। आपको किसका कोड पूछा गया है, क्लोज, पहले तो चेक करो कि क्लोज वर्ड रिपीट हुआ है कहां पर। यस मा 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 मा, सही सही है, सही है, सही है बड़ू। सो क्लोज का कोड आपको पूछा है, क्लोज कहीं पे रिपीट हुआ है इन तीनों में, कहीं नहीं। लेकिन देखो क्या उनके साथ जो वर्ड है डोर इज वो रिपीट हुआ है, यस। पहले दो अगर आप देखो, पहले दो गाइज तो इसमें रिपीट हुआ है डोर डोर, तो देखो पहले दो के कोड में लेफ्ट साइड में रिपीट हुआ है डोर, तो राइट साइड में देखो कौन रिपीट हुआ है, राइट साइड में रिपीट हुआ है जो जो, बराबर। लेफ्ट में रिपीट हुआ डोर पहले दो कोड के, तो राइट में रिपीट हुआ जो, तो डोर का कोड हुआ जो, खत्म। मतलब डोर का कोड तो हो गया जो, मैटर क्लोज। अभी भी इज बचा है, इज, अब इज कहां रिपीट हुआ है, देखो इज रिपीट हुआ है सेकंड में एंड थर्ड में, इज रिपीट हुआ है सेकंड में एंड थर्ड में, तो राइट साइड में देखो सेकंड एंड थर्ड में कौन रिपीट हुआ है, पा पा, मतलब सेकंड एंड थर्ड के लेफ्ट में रिपीट हुआ है इज एंड राइट में रिपीट हुआ है पा। सो बस हो गया भाई, इज का कोड हुआ पा। कॉमन कोडिंग से गए हो आप और उस नाते क्लोज का कोड हुआ मा, जो कि अब आपको 100% सेटिस्फेक्शन के साथ टिक कर देना है। पहले दो कोड में लेफ्ट में था डोर डोर, तो राइट में था जो 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 जो, फिर सेकंड एंड थर्ड में रिपीट था इज इज, तो राइट में कौन था, पा पा। सो डोर का कोड हुआ जो, इज का कोड हुआ पा, तो क्लोज का कोड हुआ मा, मेरे पास मा है, सी इज द आंसर। ठीक है, सी इज द आंसर। आ जाओ दोस्तों फटाफट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट।
परफेक्ट स्मोकिंग का कोड टू। अरे वाह, स्मोकिंग का आंसर तो बहुत सा फटाफट दे रहे हो आप लोग यार। चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, चमक गया बिड़ू। चलो सुपर, स्क्रीन क्लियर नहीं है मुस्कान, स्क्रीन तो क्लियर है भाई। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही क्या किसी को, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है? अगर सबको स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है तो ये फिर मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ मुस्कान को नहीं आ रही है तो मुस्कान का प्रॉब्लम है। एंड योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम, इट्स नन ऑफ माय प्रॉब्लम। क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, अरे अरे अरे, कोई तो डाउट पूछ रहा है, कोई तो डाउट पूछा, ऊपर गया कमेंट, गया रे हाथ से गया कमेंट, अच्छा कमेंट था हाथ से गया। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या किसी को, क्लियर है बोल रहे सब तो, चमका है ना वीडियो, क्लियर है ना? अरे क्या बात है, क्या बात है। सो भाई जिन एक दो लोगों को स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, एक बार अपना नेटवर्क भी चेक कर लो एक ना। अरे क्या बात। चलो क्वेश्चन नंबर 16, अब ये तो देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। 975 मींस थ्रो अवे गार्बेज, देन 528 मींस गिव अवे स्मोकिंग, ठीक है, एंड 213 मींस स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल, ठीक है। सो अब देख लो, आपको पूछा व्हाट इज द कोड फॉर स्मोकिंग, एंड दोस्तों ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट अगर ऐसा हो गया तो मैंने कहा ये हलवा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जनरली आप देख रहे हो जिसका भी कोड पूछा है वो जनरली रिपीट नहीं होता है, लेकिन इस बार देखो स्मोकिंग का कोड पूछा है और कोइंसिडेंटली सेकंड एंड थर्ड में स्मोकिंग रिपीट हुआ है राइट साइड में। देखो राइट साइड में जो तीन स्टेटमेंट है उसमें से सेकंड एंड थर्ड में स्मोकिंग रिपीट हुआ है, और सिर्फ स्मोकिंग रिपीट हुआ है, गिव अवे स्मोकिंग, स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो राइट में स्मोकिंग रिपीट हुआ है। लेफ्ट में देख लो क्या रिपीट हुआ है इन दोनों में, इन दोनों में क्या रिपीट हुआ है, टू टू, तो स्मोकिंग का कोड हुआ टू, सी इज द आंसर, परफेक्ट, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। अरे भाई पेन पेपर की जरूरत है ही नहीं, अब यहाँ पे मैं आपको ओरली कैसे बताऊं ना, मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं पेन पेपर यूज कर रहा हूं, अदरवाइज यहाँ पे पेन पेपर की जरूरत नहीं यार, नजरों का खेल है, अखियों से गोली मारे, नजरों का खेल, पेन पेपर की एक्चुअल में जरूरत नहीं इसमें, और इसलिए ये टॉपिक आने के फुल चांसेस है। देखो अगर आपको पेन पेपर अलाउड नहीं है तो वो टॉपिक जहां पेन पेपर का बिना यूज किया आप आंसर दे सकते हो वो टॉपिक आने के फुल टू चांसेस है, तो उसमें से ये टॉपिक एक है, उसमें से ये टॉपिक एक है। मैं फ्रीज हो गया हूं, वीडियो इज पॉज्ड, फाइन, नहीं यार मेरे इधर तो चल रहा है, चेक करो, चेक करो एक बार, ये सब ऐसे फ्रीज हो गया यार मैं ठंडी के दिनों में। स्क्रीन फ्रीज, अरे दो मिनट, मैं जो फ्रीज हो गया हूँ अब मैं थोड़ा देख रहा हूँ वापिस कैसे लाऊँ अपने आप को, अपने आप को वापिस कैसे लाऊँ, सारे जहां से जुड़े सारे प्यार, अरे यार मैं सही में फ्रीज हो गया यार,
ऐसा कैसे हो गया? अरे मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? स्क्रीन भी हिल रही है ना? स्क्रीन थोड़ी फ्रीज हुई है, स्क्रीन तो मूव हो रही है यार, खाली मैं फ्रीज हुआ हूं। चलो बहुत बढ़िया, तो एक काम करो यार, आज मेरी आवाज से काम चला लो। वॉइस इज क्लियर ना? आज मेरी आवाज से काम चला लो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। वैसे भी स्क्रीन दिख रही, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बहुत ठीक है, फिर तो अब क्या टेंशन ही नहीं है। मैं दिख नहीं रहा हूं, मैं डांस करते करते पढ़ो, आपको मेरे को टेंशन नहीं है। क्या बात है, कोई भी पगलेट की तरह हरकत करते हुए भी मैंने पढ़ा हूं तो टेंशन नहीं है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो। अरे वाह, चलो स्क्रीन तो मूव हो रही है ना भाई? हाँ श्री, मैं हुआ हूं ना। चलो ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों, आ जाओ। कौन सा एक क्वेश्चन रहा है? हाँ ये 17 रहा है, फटाफट देख लो इसको, खत्म करते यार, आज अपने को फिनिश करना है टॉपिक, तो फिर कल नया धासु टॉपिक शुरू होगा। 3a 2b 7c का मीनिंग उसने बोल दिया, ट्रूथ इज इटर्नल, ट्रूथ इज इटर्नल। देन 7c 9a 8b 3a का मीनिंग उसने बोल दिया, इनमिटी इज नॉट इटर्नल। देन 4d 2b 8b मीन्स ट्रूथ डज नॉट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मीन इनमिटी? आपको इनमिटी का कोड पूछा है, बराबर? ये सेम घिसा पिटा इस तरह से तीन स्टेटमेंट दे दिया, इनमिटी का कोड पूछा है। गाइस इनमिटी अब देखो कहां पे रिपीट हुआ है, कहीं पर नहीं, लेकिन मैंने कहा है कि वो रिपीट हो गया तो फिर तो टेंशन ही नहीं, हो सकता है आपको एक स्टेप में आंसर आ जाए, लेकिन अगर वो रिपीट नहीं हुआ है तो उसके साथ जो है वो पक्का रिपीट हुए होंगे। देखो नॉट, नॉट यहां पर भी है, नॉट यहां पर भी है, और कहीं पर है नॉट? नहीं, तो इन दोनों में कॉमन है नॉट नॉट। तो लेफ्ट में देख लो क्या कॉमन है, लेफ्ट में कॉमन है 8b 8b, बराबर, यानी नॉट का कोड हुआ 8b, नॉट का कोड हुआ 8b। अब देखो इज इटर्नल यहां पर भी है और इज इटर्नल यहां पर भी है, तो राइट में कॉमन है इज इटर्नल पहले दो केस में, तो लेफ्ट में देखो पहले दो केस में दो वर्ड कॉमन है, इज भी इटर्नल भी, तो लेफ्ट में भी दो कोड कॉमन रहेंगे। देखो कौन सा है, 7c 7c एंड 3a 3a, इसका मतलब भाई, इसका मतलब हुआ इज इटर्नल का कोड हुआ 3a एंड 7c। अब आप बोलोगे सर इज का कोड 3a है कि इटर्नल का 3a है, या इज का कोड 7c है या इटर्नल का 7c है? भाई हमें उससे क्या मतलब, हमें उससे क्या मतलब, इतना पक्का है कि वो दो चेयर पे ये दो लोग बैठने वाले, अब किसको कहां पे भी बैठना, वो दो आपस में झगड़े करेंगे, लड़ेंगे, निपट लेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है इनमिटी से। तो इतना तो पक्का हुआ कि जो आपका 8a है उसने नॉट को बुक कर लिया, क्योंकि इन दोनों में सेकंड में और थर्ड में राइट में कॉमन नॉट है, तो लेफ्ट में 8b 8b है, फिर आपका नॉट और 8b गया, फिर इन इज इटर्नल, इज और इटर्नल ने मिलकर 3a और 7c को बुक कर लिया। अब किसका 3a किसका 7c हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है अब यहाँ पे कौन बचा। देखो इज गया, नॉट गया, इटर्नल गया, बचा कौन, इनमिटी। अब यहां बचा इनमिटी और यहां कौन बचा, 9a। सो गाइस 9a इज द आंसर, 9a इज द आंसर, जी यस, परफेक्ट। जिन्होंने डी आंसर बोला है, 9a बोला है, छा गए, सुपर, खत्म, समझ गए आपको, अब आप एक्सपर्ट हो बिड़ू, अब तो छा गया बिड़ू, अब छा गया, आ जाओ, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट खत्म करेंगे। अब अपन फ्रीज हो गया है, अपने को ठंड बज रही है, सो जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करने को मांगता है बिड़ू, आ जाओ।
यस, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करने का विडू, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास धासु झकास वाला टॉपिक कल से शुरू करेंगे अपन, ठीक है? चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन अपना लास्ट टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। इन सर्टन कोड लैंग्वेज, फटाफट देखो, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज, ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज इज रिटन एज बारिशाजी। फिर आइडियाज एंड न्यू थॉट्स, आइडियाज एंड न्यू थॉट्स फाजीमारी, देन क्रिएट थॉट्स एंड इंसाइट्स इज रिटन एज मा जो बाफा। ये कोई गालियां नहीं बोला, इनको गालियां कभी ना कंसिडर करे, दो इट साउंड लाइक गाली बट इट्स नॉट गाली। की री तोफा। अब आपको बोला है कि आइडियाज का कोड क्या है। दोस्तों आइडियाज यहां पर भी है, आइडियाज यहां पर भी है, लेकिन बहुत सी चीजें और भी रिपीट हुई है। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप फोकस करो मेरी गंदी हैंडराइटिंग पे तो आपको यहां दिखेगा न्यू न्यू न्यू, मतलब इस बार चार स्टेटमेंट दी, इसलिए मैंने पहले तीन तीन वाले छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताए। यस, जी आई इज द आंसर, सुपर्ब यार, सुपर्ब। सो मैंने पहले आपको छोटे छोटे आंसर बताए तीन वाले, अब चार स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे न्यू है, मतलब किसमें, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में। तो अब राइट में देखो, फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में कौन सा वर्ड कॉमन हो रहा है, कौन सा वर्ड कॉमन हो रहा है? एंड गाइस आपको मिलेगा री री री, इसका मतलब न्यू का कोड आंखें बंद करके दावे के साथ डंके की चोट पे 100% गारंटी से री हुआ, ठीक है? सो नाउ अब आप देखो न्यू का कोड हो गया री। सो चलो अब देखो आइडियाज, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, आइडियाज इधर भी है, आइडियाज इधर भी है, बराबर। ये रहा आइडियाज, ये रहा आइडियाज, मतलब आइडियाज सिर्फ कहां कॉमन है, पहले दो में। तो देखो इधर क्या कॉमन है, इधर तो देखो री था, बट री तो ऑलरेडी न्यू ने बुक कर लिया है, री तो ऑलरेडी न्यू ने बुक कर लिया है। अब उसके अलावा कौन कॉमन है, उसके अलावा कॉमन है जी आई, जी आई, और कोई भी कॉमन है बाशा फामा नहीं, ठीक है? सो ओनली कॉमन वर्ड इज जी आई। तो भाई आइडियाज का कोड क्या हुआ, जी आई, और यही तो पूछा था आपको। सो सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, परफेक्ट गाइस। बहुत से लोगों का तभी भी आ गया था, लेकिन अभी जस्ट मैंने जो एक ओवरऑल बैकग्राउंड, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर नर्सिंग, अरे भाई रुक तो सही, तुम इतना फास्ट जा रहा है, ठीक है? सो इतना आपको अब समझ गया होगा कि ये कंसेप्ट का मेन थीम क्या है, ठीक है? मेन थीम क्या है, चलो इसी केस को लेकर क्वेश्चन नंबर 15 है। सेम यही डेटा है, यही डेटा है, बराबर। आपको सिर्फ क्या पूछ लिया है कि बता मुझे व्हाट डज फा स्टैंड फॉर, फा का कोड पूछा है, फा फा फा। फा कहां पर है, फा देखो, फा है यहां पर, एक दो तीन, दोस्तों तीन जगह फा आया है। अगर आप ठीक से देखो, ठीक से देखो तो तीन जगह फा आया है, ठीक है? मैं वापिस से थोड़ा सा फाजी, सो यहां पे फा कहां का आया है, अगर आप राइट साइड में देखो तो फा आया है गाइस तीन जगह, एक सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इन तीनों में। तो राइट में देखो, राइट में कहां पे है, सेकंड। अब फर्स्ट को इग्नोर करो, फर्स्ट को इग्नोर करो, क्योंकि हमें सिर्फ फा का कोड पूछा है, तो फा कहां पर है, सिर्फ सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सा रिपीट हुआ है, एंड 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 एंड, यानी फा का कोड हुआ एंड, ठीक है? फा का, अरे सुपर है, छा गए बड़ू, एकदम झकास, एकदम परफेक्ट आंसर है, एंड 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 एंड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। सो डी इज द आंसर, खत्म। अब चंद क्वेश्चन बचे हैं, एक का दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का, छह क्वेश्चन बचे, फटाफट बताओ भी। उसमें से ये तीन क्वेश्चन मतलब हलवा क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो,
चलो यस 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 पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर दिया गया था एक्चुअली, मैं एक बार चेक करता हूँ। अभी अभी मैं एडमिन बना हूँ बहुत से ग्रुप का, तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, बोलते हुए काफी खुशी महसूस हो रही है कि अभी अभी मैं काफी ग्रुप का एडमिन बना हूँ, तो मैं भी अब ये सब चीजें कर सकता हूँ। वाह वाह, चलो आ जाओ दोस्तों शुरू करते हैं। रेन का कोड आपको ये दिया है ना, रेन का कोड आपको दे दिया है $8%6। मोर का कोड आपको दे दिया है 7#8@। तो आपको रिमेन का कोड पूछा है। अब दोस्तों याद है, अब यहां पे आप डायरेक्ट कोडिंग करना है, क्योंकि यहां पे तो कोई अल्फाबेटिकल पोजीशन का सीन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ऐसे भिन्न भिन्न सिंबल यूज हुए हैं, डॉलर हैश एट द रेट। तो ऐसे क्वेश्चन में यहां पे देखो डॉलर एट द रेट हैश परसेंट। अब यहाँ पे थोड़ी आप अल्फाबेटिकल पोजीशन ले सकते हो ना, भले ही आपको 6, 7, 8 भी दिख रहा है, लेकिन बाकी दूसरे सिंबल भी दिख रहे हैं ना। तो जब भी ऐसे रैंडम सिंबल यूज होते हैं ना किसी लेटर के लिए, वहां पे हमेशा यूज करो डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग मतलब कॉपी पेस्ट अप्रोच। याद है ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक कर चुके थे, यानी आर का कोड होगा 8, इधर आर पहला है तो उधर 8 पहला है, तो आर का कोड हुआ 8 इस तरह से। ए का कोड हुआ डॉलर, क्योंकि इधर ए दूसरा है उधर डॉलर का सिंबल दूसरे नंबर पे है। आई का कोड हुआ परसेंट, एन का कोड हुआ 6, उसी तरह एम का कोड हुआ 7, ओ का कोड हैश, ठीक है, आर का कोड 8, देखो आठ का कोड हम 8 पहले से लिख चुके हैं, और ई का कोड एट द रेट। बस ये सारे कोड आपको मिल गया। रिमेन का कोड पूछा है, तो आर का कोड है 8, ई का कोड देखो ई का कोड है एट द रेट, एम का कोड है 7, ए का कोड है डॉलर, आई का कोड है परसेंट, एन का कोड है 6, खत्म। दिस इज योर आंसर। ये रहा वीडियो आपका आंसर, 8@$7%6, डी इज द आंसर। छा गए जिन्होंने डी आंसर बोला, सुपर्ब सुपर्ब यार सुपर्ब, क्रैक हो गई, समझो क्रैक हो गई आपसे, एलआर एलआर क्रैक क्रैक हो गया, सीएसईडी का एलआर क्रैक क्रैक क्रैक। भाई सेम स्क्रीन फ्रीज है ना, मैं डांस कर रहा हूं क्योंकि किसी को दिख तो नहीं रहा है ना, अजीबो गरीब किस्म का डांस। हलवा, बिल्कुल हलवा था, डांसिंग लवर्स अभिजीत, बिल्कुल हलवा था। ये क्वेश्चन अपन का हो चुका है, याद है ये क्वेश्चन किसी ने तो डाउट पूछा था, तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुका हूं। ये क्वेश्चन का मैंने फास्ट में आपको अगर बता दूं तो ए का 26 कैसे आया था, रिवर्स काउंटिंग। याद है ये क्वेश्चन मेरा हो चुका है, अपन ने साथ में किया है रिवर्स काउंटिंग। ए का नंबर वैसे तो पहले आता है, लेकिन अगर हम पिच्छू से काउंट करें पिच्छू से, तो ए का नंबर 26 आता है, मतलब आपको रिवर्स काउंटिंग की हिंट मिली यहां से। सन का कोड 27 कैसे आया, तो रिवर्स काउंटिंग की हिंट तो हमें मिली चुकी है, तो अगर आप रिवर्स काउंटिंग करो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस, तो मुझे बताओ एस का कोड नंबर कितना आया 8, फिर उसके बाद है यू का कितना आया 6, फिर उसके बाद है एन का भी अगर आप ऐसे कंटिन्यू करो तो आता है 13, तो इसका एडिशन देखो कितना हुआ 27। तो बस इस वाले इससे ए का 26 देकर उसने आपको रिवर्स काउंटिंग की हिंट दे दी, और सन का 27 देकर एडिशन की हिंट दे दी। तो कैट का पूछा है, तो रिवर्स में सी का कोड नंबर कितना आता है 24, रिवर्स यानी पिच्छू से जेड टू ए, ठीक है, देन ए का 26 और टी का 7, और इन सबको ऐड कर लो, तो ये 24 + 26 + 7 होता है 57। सो दोस्तों सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। चमक गया ना बिडू, बहुत बढ़िया राम काबरा, सही है 57 जो भी आंसर बोल रहे ला है, बिल्कुल सही है बिडू, बिल्कुल सही है। छा गया तुम लोग। हाँ यार अपुन फ्रीज हो रहे ला है इसलिए मजा नहीं आ रहा है। क्या मजे ले रहे ले भाई तुम, क्या मजे क्या ले रहे ले। चलो चलो बहुत बढ़िया शानदार,
सही है, सही है यार। मैं क्या करूं निधि, मैं ट्राई बहुत कर रहा हूं दिखने का, दिखने का, लेकिन नहीं दिख पा रहा हूं। क्या करूं मैं तो, आई डोंट नो कैसे फ्रीज हो गया। ये एक्सपीरियंस भी पहली बार आया, कभी कभार स्क्रीन ब्लर होती है, आवाज चला जाता है, ये एक्सपीरियंस आ चुके हैं। खुद का फ्रीज होना एक्सपीरियंस पहली बार आया। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, मजे लेने में ही मजे, और मजे लेते रहो, मजे की लाइफ है, मजे करते रहो। बिड़ू फ्रीज हो गए हो यार, फ्रीज तो हो गया हो, क्या करे, सारे हो गए, बहुत बढ़िया। पूजा सही चल रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। कल कल अपन सिक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेगा दोस्त, कल अपन जो शुरू करेगा वो सिक्वेंस एंड सीरीज रहेगा। बिग बॉस में, अरे बिग बॉस में कॉमनर्स की एंट्री बंद कर दी ना यार, अपन का सेलिब्रिटी बिड़ू, नहीं तो जाता था अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10। जिनका भी आंसर आ गया सुपर क्वेश्चन नंबर 10 का, गुडनेस, गुडनेस का कोड उसने आपको दे दिया है, ध्यान से, HNPCODTR, तो उसने अपन को पूछेला है ग्रेटनेस का कोड, ग्रेटनेस, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं यार, एच कोड कैसे ढूंढते यार, ये तो आपके लिए बचकाना क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इससे बड़े बड़े एकदम मजबूत क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो ये वाकई में आपके लिए हलवा है। सो जी के बाद प्लस वन एच, ओ के पहले माइनस वन होता है ना, जी के जस्ट बाद एच होता है यानी प्लस वन, ओ के जस्ट पहले एन होता है यानी माइनस वन, ओ के जस्ट बाद पी, डी के जस्ट पहले एन। अरे खत्म बिड़ू, खल्लास, समझ गया आपको, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन का पैटर्न चल रहा है। सो जी के आगे प्लस वन एच, आर के पिच्छू माइनस वन, सो आर के पिच्छू कौन आता है, क्यू, ई के आगे प्लस वन एफ, ए के पिच्छू, मैंने कहा ए के पिच्छू अगर कोई नहीं तो हमेशा जेड लेना है, जेड के आगे कोई नहीं तो हमेशा ए लेना है, सो ए के पीछे जेड, टी के आगे, टी के आगे होगा यू, एन के पीछे एम, ई के आगे एफ, तो एस के पीछे आर और एस के आगे टी, दिस इज योर आंसर गाइस, एच क्यू एफ जेड, एच क्यू एफ जेड, यू एम एफ आर टी, यू एम एफ आर टी, ऑप्शन बी, बी इज द आंसर। मिस्टर इंडिया बन गया, अरे हाँ यार क्या करें, बट ये बन गया, मैं मुझे बनाया गया है, मैं मर्जी से नहीं बना, बस क्या कोडिंग इतना है क्या। हाँ संकेत, कोडिंग में भाई देख, पैटर्न जितने आपने देखे ना लेटर कोडिंग के, और ये जो कॉमन कोडिंग देखा, इससे अलावा कोडिंग डीकोडिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी फिर जो मिसलेनियस है, मैराथन है, जो रेयरली पूछते हैं यार, पूछते ही नहीं है, वो हम मैराथन में कवर करेंगे मिसलेनियस वैरायटी में, लेकिन मेजर जो है वो यही करने का बिड़ू। चमकेला है, क्या बात है, क्या बात है शिवानी सिंह, शिवानी सिंह एकदम अपन के माफिक हो गए लिए। ठंड लग रही है यार, ठंड लग रही है। शीतल पूछ रही सर कैसा लगा फ्रीज होके, मुझे ठंड लग रही है फ्रीज होकर। सर ऐसे जोक हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में सुनाते थे, चलता है रे बिड़ू। ब्लड रिलेशन कराओ बोल रही है, नेक्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशन करना है क्या, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ना ब्लड रिलेशन की, रिश्ते नाते कस्मे वादे प्यार वफा सब वादे है, वादों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते है, नातों का क्या, ऐसा कुछ नहीं है, सब सब के भाई, हर एक इंसान हर एक शख्स लाइफ में इंपॉर्टेंट है। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट। अब यार ये सबसे पंक्चर वैरायटी, एकदम पंक्चर वैरायटी है,
मतलब आप जो बोलते हो ना पेन पेपर अलाउड नहीं सर कैसे करे, तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन में पेन पेपर आपको दिया भी ना तो आप हाथ भी नहीं लगाओगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें पेन पेपर आपको दिया तो भी आप हाथ भी नहीं लगाओगे, मतलब एकदम पंक्चर वैरायटी, यानी हलवा से भी जो चिल्लर वैरायटी होती है ना, हलवा से भी जो कम हल्की वैरायटी होती है उसको पंक्चर वैरायटी बोलता हूँ मैं अपनी लैंग्वेज में। सो ऑन अनदर प्लैनेट द लोकल टर्मिनोलॉजी, तो देखो यहाँ पे लोकल टर्मिनोलॉजी अर्थ वाटर लाइट एयर स्काई आर, स्काई लाइट एयर वाटर अर्थ, मतलब क्या है ना उधर का उस प्लैनेट का थोड़ा सा होकैब हिलेला है, उनका होकैब जो है ना वो हिलेला है, तो वो अर्थ को क्या बोलते हैं, अर्थ को वो बोलते हैं स्काई, वाटर को बोलते हैं लाइट, लाइट को बोलते हैं एयर, एयर को बोलते हैं वाटर, और स्काई को बोलते हैं अर्थ, ठीक है स्काई को बोलते हैं अर्थ। तो इस तरह से वो गलत प्रोनाउंसिएशन गलत वोकैबुलरी यूज करते हैं। तो आपको बोला है कि इफ समवन इज थर्स्टी देयर व्हाट वुड ही ड्रिंक, मुझे बताओ यार अपन के प्लेनेट पे अगर अपन प्यासा है तो क्या मांगता है, पानी यानी वाटर, लेकिन अगर उधर कोई प्यासा है तो वो वाटर मांगेगा, बट वाटर को उसने क्या बोला है लाइट, तो बंदा लाइट पिएगा, थोड़ा सा लाइट लाइट पिएगा, क्या पिएगा थोड़ा सा लाइट लाइट, ठीक है। सो लाइट इज द आंसर, परफेक्ट बिडू यार एक नंबर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। चमकेला कि नहीं चमकेला, मगज में घुसेला कि नहीं घुसेला, फटाफट बताओ, इतना चिल्लर वैरायटी है, ठीक है बिल्कुल सही। अपन प्यासा तो पानी पिएगा, वो प्यासा तो वो पानी को बोलते हैं लाइट, तो लाइट पिएगा। चलो नेक्स्ट, आ जा आ जा आ जा आ जा, अपुन को भी थोड़ा लाइट लाइट मांगता है यार, अभी दिमाग का दही हो गया है, थोड़ा सा लाइट लाइट मांगता है आज, नहीं रे भाई अपन नहीं लेता बला क्या, मजाक कर रहेला। इफ द एनिमल विच कैन वॉक कॉल्ड स्विमर, जो वॉकिंग करता है अपन वॉकर बोलते हैं उसको, लेकिन उसको उस प्लेनेट पे स्विमर बोला गया है। एनिमल हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, मतलब देख रहे हो आप कितना मतलब पागलपंती की हद है। दोज लिविंग इन वाटर कॉल्ड हंटर, मतलब हद हो गई। देन व्हाट विल अ लिजर्ड बी कॉल्ड, लिजर्ड क्या करती है, क्रॉलिंग करती है ना, दीवारों पे चलना यानी क्रॉलिंग करना, सो क्रॉलिंग करने वाले को उधर क्या बोला गया है, एनिमल हु क्रॉल कॉल्ड फ्लाइंग। अब उसके लिए थोड़ा सा बेसिक सा कॉमन नॉलेज कॉमन सेंस आपको होना जरूरी है दोस्तों, लिजर्ड क्या करती है आपको समझना जरूरी है, तो लिजर्ड करती है क्रॉलिंग, तो क्रॉलिंग करने वाले को बोला जाता है फ्लाइंग, तो फ्लाइंग इज द आंसर, खत्म। जो वॉकिंग करता है उसको स्विमर बोला गया है, जो क्रॉल करता है उसको फ्लाइंग बोला गया है, और जो वाटर में रहता है उसको हंटर बोला गया है। सो लिजर्ड बी कॉल्ड, लिजर्ड यानी छिपकली, जो आप सबकी फेवरेट मानी जाती है, खासकर गर्ल्स की है ना, गर्ल्स भिड़ू लोगों की ये फेवरेट मानी जाती है छिपकली, सो वो छिपकली को आप क्या बोलोगे, वो क्रॉलिंग करती है, तो क्रॉलिंग करने वाले को फ्लाइंग बोला जाता है, सो फ्लाइंग इज द आंसर, फ्लाइंग इज द आंसर, सी इज द आंसर। यस ट्वेल्थ का आंसर सी, बिल्कुल सही। अरे बाप रे, कहाँ कहाँ से लाते हो और आप ये स्माइली, चिपकली की भी स्माइली आ गई, क्या बात है। कोई बोल रहा है सर अपन को गाना सुनने को मांगता है, अरे अपन का गाना भी एकदम टपोरी माफी को होता है, फिर अपुन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म करो खत्म करो, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट। इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, हनी इज कॉल्ड ऑरेंज, अरे रे रे तरस आता है मेरे को इन लोगों पे, कितनी हो क्या भिली हुई है। ऑरेंज को बटर बोलते हैं, बटर को सोप बोलते हैं, सोप को इंक बोलते हैं, इंक को हनी बोलते हैं, और हनी को ऑरेंज बोलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स,
वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के लिए वो किसको यूज करते हैं? भाई ये स्टंट अपने घर पे ना करे। कपड़े धोने के लिए हम सोप यूज करते हैं, लेकिन सोप को उसने इंक बोला गया है। बंदा इंक से कपड़े धोने वाला है, सोचो कितना जबरदस्त स्टंट है। डी इज द आंसर, कितना जबरदस्त स्टंट है, कोई भी अपने घर पे स्टंट को ना करे, है ना। कपड़े धोने के लिए हम सोप यूज करते हैं, बट वहां पे सोप को क्या बोला गया है, सोप इज कॉल्ड इंक, सो इंक इज द आंसर, डी इज द आंसर, खत्म, फिनिश। क्या बोल रहे हैं वीडियो लोग, खत्म की नहीं, समझा कि नहीं समझा, फटाफट बताओ। पूजा एलआर कंप्लीट करेंगे, अभी तो यार शुरुआत के तो मजे लो, कंप्लीट हो जाएगा। सिमरन, सिमरन मेरे को बेटी है, बेटी दो बेटी है मेरे को। चलो समझा कि नहीं, चमकाना एकदम, चलो जबरदस्त वीडियो। सो कोडिंग, डी कोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी जो भी प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया, और जनरली जहां जहां मैंने कहा ना लॉजिकल रीजनिंग सीएस में तो अभी आया है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग ये बहुत पुराना प्लांटो है, बहुत पुराना प्लांटो खिलाड़ी है जो कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है। तो कोडिंग डी कोडिंग की जो मैक्सिमम वैरायटी पूछी जाती है वो ये है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, कॉमन कोडिंग और ये डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। इसके अलावा जो फिर मिसलेनियस चिल्लर वैरायटी जिसपे क्वेश्चन कभी नहीं पूछते, बट हाँ हमें रिस्क नहीं लेना है, वो मैं हमेशा, मेरा देखो एक पैटर्न होता है पढ़ाने का, सारा सिलेबस होने के बाद मैं एक मिसलेनियस वैरायटी कराता हूँ। मिसलेनियस यानी वो वैरायटी जो बहुत ही रेयर चांसेस है, या बोलो ना बराबर चांस है एग्जाम में आने के। तो जिसको करने का है वीडू करो, जिसको नहीं करने का है नॉलेज के लिए, जिसको करने का करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें फिर मैं वो क्वेश्चन कवर करता हूँ। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन लेता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेटर कोडिंग में आप देखते हो प्लस वन माइनस वन, है ना, इस तरह से प्लस वन माइनस वन इस तरह का पैटर्न चलता है, प्लस टू माइनस टू, या फिर रिवर्स में, रिवर्स में, या फिर वर्ड को तोड़कर आपने बनाया था, चार चार का तोड़कर रिवर्स पैटर्न में इस तरह से आप खेले थे। बाद में अल्फाबेटिकल पोजिशन को यूज किया था, ए टू जेड का नंबरिंग, ए पहला बी दूसरा, या फिर जेड टू ए वाला, ठीक है। बाद में आपने कॉमन कोडिंग देखा, आज की शुरुआत ही आपने कॉमन कोडिंग से की, इस टाइप के क्वेश्चन, ये स्मोकिंग वाला, ये माँ वाला, ठीक है। तो बाद में डायरेक्ट कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग मतलब इस तरह का क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर एट लिया था, सीधा कोई किससे मतलब नहीं, वन टू वन कोडिंग देना होता है। और ये सब होता है दोस्तों कोडिंग डी कोडिंग दो, अगर कोडिंग डी कोडिंग का एक मार्क भी इधर उधर गया तो लानत है अपने आप पर, इतना चिल्लर, इतना चिल्लर, इतना हलवा सब्जेक्ट है ये। अपुन एसएससी, अरे क्या बात है, लखन एसएससी की तैयारी कर रहा है भाई, तो तेरे को तो काम आएगा ये लॉजिकल रीजनिंग, बहुत शानदार काम आएगा। शनाया मेरी बेटी का नाम है, राहुल कहा सुन लिया भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड आवाज आ रही है आपको। तो बेसिकली दोस्तों और क्या बोल रहे, वीडू सब चमकेला है एकदम शानदार। तो चलो निकलो हफ्ता वसूली पे, खाना वाना खाओ, नैप वैप लो और निकलो अगले हफ्ता वसूली पे। राजू आज आपका एसएससी एग्जाम था, क्या बात है दोस्त। सो गाइस यही है दोस्तों कोडिंग डी कोडिंग, कल अपन मिलेगा एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। कोई पब्लिक डिमांड कर रही है ब्लड रिलेशन, कोई पब्लिक डिमांड कर रही है सिक्वेंस एंड सीरीज, अपुन थोड़ा थॉट देगा और एक बढ़िया से टॉपिक के साथ आएगा। अपुन का इच्छा है सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन देखते अगर ब्लड रिलेशन ज्यादा डिमांड में है तो अपन सोचता है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज लेने का रीजन क्या है कि कोडिंग डीकोडिंग जैसे पैटर्न बेस्ड था ना, सीक्वेंस एंड सीरीज भी पैटर्न बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं सोच का जो अप्रोच है, थॉट प्रोसेस जो है वो सेम है। इसलिए द रीजन कि कोडिंग डीकोडिंग के बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज ले रहा हूं वो ये है। अदरवाइज ब्लड रिलेशन एक अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक अलग दुनियादारी है, ठीक है। सो बाय गाइस, चक दे फट्टे, एंजॉय, चलो बाय बाय, टेक केयर। अरे अनफ्रीज मैं नहीं हो पा रहा हूं यार, फ्रीज हो गया हूं मैं, क्या करूं, मैं बहुत ट्राई किया अनफ्रीज नहीं हो रहा हूं, की करूं अब, देखते हैं।
आई एम ट्राइंग माई बेस्ट पर अनफ्रीज नहीं हो पा रहा हूँ। कोई बात नहीं यार, बाय बाय, मिलेंगे कल अनफ्रीज के साथ।